हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो जी सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे ब्लॉग में। तो सुबह का टाइम है और सुबह के बजे हैं 6:30। और आज तो देखो धूप भी बहुत अच्छे से निकल आई है सुबह सुबह। और आज तो ना मैं जगने में लेट हो गई थी, तो अभी तो कुछ भी काम नहीं किया है मैंने। हालांकि अभी गेट खोला है, बस लॉक खोला है, क्योंकि आज लेट हो गए थे हम जगने में। और हमारे बच्चे देखो कैसे कैसे सो रहे हैं, ये एक तो ऐसे सो रही है, एक ऐसे सो रहा है, ऐसे ही सोते रहते हैं ये। मतलब जहाँ सो आते हैं ना उल्टे सुलटे हो जाते हैं। और अभी तो मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ सामान सब्जी वब्जी काटी थी, इसमें तेल चढ़ाया है, सब्जी बना रही हूँ क्योंकि पहले क्योंकि बच्चे स्कूल भी जाएंगे तो उनके लिए, और गुवार की फड़ी और आलू की सब्जी बना रही हूँ, तो मसाला पीस लिया है। और इधर नीता के पापा बना रहे हैं जो सुबह सुबह, वैसे इन्होंने डांट दिया था कि तू जगती नहीं है, लेट जगती है। तो ये अभी मैं सब्जी बना रही हूँ, तो ये देखो दोस्तों आम का जूस तैयार है, क्योंकि नितरक पापा पीते नहीं है दूध दूध चाय वाय कुछ भी। और इधर मेरा मसाला भी बन रहा है, पक गया है। तो अब मैं तो डायरेक्ट बना रही हूँ गवार की फड़ी और आलू की सब्जी, और अब इनको डाल देते हैं हम। तो मैंने डाल दिया आलू गवार की फड़ी, देखो ऐसी लग रही है। तो थोड़ी देर तो पकाऊंगी मैं, फिर अभी आटा लगा लेती हूँ एक बार बच्चों के लिए, क्योंकि रोटी टिफिन तैयार करना है मेरे को। तो देखो अभी सुबह का टाइम है और मैं भी अब ड्यूटी के लिए तैयार हो गया हूँ, और 7 बजने पे हैं। थोड़ी देर रह रही है, 10 मिनट रह रही है, और अभी मैं भी यहाँ से निकलने वाला हूँ। लेकिन आज मैं थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि खेलू भी लेट उठी थी है, और आज तो कुछ ज़्यादा ही लेट उठी है, इसकी वजह से मुझे दिक्कत हुई। और मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है क्योंकि पेट में थोड़ी गड़बड़ हो रही थी, इसलिए मैंने दूध से टोस्ट खाई नहीं थी आज, दस्त लग रहे थे, पेट में गड़बड़ हो रही, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा जूस बना लेता हूँ, एक गिलास जूस पी जाऊँगा। और सुबह सुबह भूख तो लगती नहीं है, इसलिए रोटी तो खा के नहीं जाता। अभी तो खेलू ने सब्जी छोंक दी है इसमें, और यश और नितारा तो सो ही रहे हैं अभी, और खेलू पहले बच्चों को नहीं लाएगी फिर स्कूल छोड़ के आएगी। मैं तो क्योंकि लेट आता हूँ दोस्तों, तो इतनी यही करती है। तो पाप पी लीजिए, मैंने ये जूस बनाया था क्योंकि खेलू तो बना नहीं पाई थी, ये खुद के काम में लग रही थी, मन की बच्चे लेट होंगे इसलिए। मम्मी तरक पापा पहन गए जूता, और देखो स्टेशन पे भी लोगों की भीड़ लगी हुई है सुबह सुबह। पहन लिया, और इनका कितना सारा सामान है, सुबह से शाम तक यार खंदा पे ही रखी तुम है, लंच है जब थकते नहीं हो इसे हा? थकते नहीं हो क्या? तो चल दिए हैं, अभी गाड़ी निकाल रहे हैं। क्या और रहेगा तेरा झूमर हो या कभी उठा ले। आज कौन जाएगा साथ में? माई पे अकेले ही जाओगे आज? अकेला जाऊंगा, मम्मी जाएगा ना। अच्छा अच्छा ठीक है। चले गए हैं नितारे के पापा ड्यूटी, और अब हमको बहुत सारा काम पड़ा है, अब वो करेंगे। देखो स्टेशन पे कितने सारे लोग खड़े हैं, अब चलते हैं अंदर। तो नितारा ये सुबह जग चुके हैं, मैंने अभी अभी जगाया है, और देखो हमारी नितारा तो कैसे, अभी तो आंख ही नहीं खुल रही है इनकी। ले बिटले असु, तो ये यशु नितारा को बुला लिया मैं नहाने के लिए, और यशु बहुत ज्यादा दम खा रहा है। ये नल क्यों चलाए, हम पानी खाएं? चल मैं भरूंगी। इनको आधी घंटा तो इनको मनाने में चाहिए होता है, मेरे को आधी घंटा तो इनको मनाने में चाहिए होता है,
कि आ जाओ बेटा नुआऊंगी, आ जाओ चल फिर कपड़ा खोलो। तो अभी तो मैं यशु को तैयार कर रही हूँ, ये मेरे को बहुत ज्यादा शैतान है ना, तो अनाता रहता है। और अभी तो इनकी ड्रेस नहीं आई है, तो अभी तो विदाउट ड्रेस में भेजती हूँ मैं, जो गर्मी पहनाती है ना वो ही अभी लेके आएगी। हाँ स्कूल ड्रेस खटो जो पिटो पैन भी हो चलो ऐसु खटो कपड़ो। और अब यह सुनीतारा का बैग भी तैयार हो गया है और हमने इनको भी तैयार कर दिया है, चल रहे हैं इसको। चलो बेटा जूता पहनो, इधर पहनो जिस मोबाइल मेरे को देना। तो अब जा रही हूँ मैं यह सुनीतारा को छोड़ने के लिए। आता यह सो आराम आराम से चल रहा है वैसे, इधर नितारा इधर बोलो। तो मैंने दोनों बैग ले रखे हैं, यशु का नितारा का, इनमें बहुत वजन होता है। अभी तार आराम आराम से चल रही है। तब आ गए हम स्कूल में छोड़ने के लिए इनको, थका लेते हैं, इनके बैग बहुत भारी है। चल लो बैग ले लो, रुक जाओ ये चल जाएगा, आप जाओ। क्या हुआ नहीं चला जा रहा है, ना चला जा रहा, चल चल चल। गई नहीं तारा अभी। तो अब आ गए हम घर पे, अभी तो लॉक लगा के गए थे तो लॉक खोला है। अभी तो बहुत सारा काम बाकी है, जो अभी किया नहीं है हमने कुछ भी, बच्चों को लेके आएंगे, इनके पापा आएंगे, तब तक तो हमसे काम ही होगा जितना भी है, और नहाएंगे धोएंगे बहुत सारा काम है, थक भी गए हैं बिल्कुल। और आज तो थोड़ी सी तबीयत भी खराब सी हो रही है, तो टाइम लगेगा मेरे को काम करने में बहुत ज्यादा। तो मेरा सारा काम अब जाके फ्री हुई हूँ मैं, सारा काम अब जाके हुआ है फाइनली। तो बच्चों को छोड़ने के बाद थोड़ी देर तुम लेट गई थी, क्योंकि सुबह से सर बहुत जोर से चकरा रहा था, पता नहीं कैसे हो रहा था, गर्मी की वजह से शायद। तो उसके बाद फिर बर्तन वर्तन धोए थे और अपने पूरे क्वार्टर को धो दिया है मैंने। तो अभी तो मैं बैठी हूँ क्योंकि अब दूध आने वाला है थोड़ी देर में, फिर उसके बाद अभी तो हम आएंगे भी, अभी नहाए नहीं है, फिर उनके पापा आ जाएंगे, खाना बनाएंगे उनके लिए, फिर बच्चे को लेने जाएंगे, यशु को लेने, और उसके बाद फिर नितारा को लेने जाएंगे। तो सुबह सारा दिन का पता ही नहीं चलता है कैसे कैसे, मतलब टाइम निकल जाता है। तो अभी तो मैं बैठी हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर दूध आएगा तो दूध लूँगी। तो अभी तो मैं ना के आई हूँ, ना के आने के बाद मैंने अपने मंदिर में दीपक लगाया, पूजा की है, और अब बनाऊँगी मैं खाना नितारा के पापा के लिए, अब बस वो आने वाले हैं। तो अब हम नादो के तैयार भी हो चुके हैं और नादो की बत्ती भी लगा दी है हमारे मंदिर में, और अब नितारा के पापा आने वाले हैं तो उनके लिए खाना बनाऊंगी मैं। तो करीब 10 बज गए हैं मेरे को काम करते करते, तो अब मैं खाना बना लेती हूँ एक बार। तो दोस्तों खाना खाने के लिए बैठ गए हम भी, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, मैं इनका इंतजार कर रही थी कि ये आएंगे ना तभी हम खाना खाएंगे। तो आप भी खा लीजिए दोस्तों। तो ये लगा रहे खाना, खाना लग गया दोस्तों, साथ में खाती है ना, तो मैं भी एक रोटी साथ में खाते हैं तो अच्छा लगता है। तो मैं तो चाहता हूँ कि जो भी पति पत्नी हमेशा खुश रहे हैं दोस्तों, और छोटी छोटी खुशियों को इकट्ठा करना चाहिए, अपन तो छोटे परिवार से है दोस्तों। आप खाना खा लीजिए।